फाइनली 3,500 स्टेप्स ऊपर नीचे करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पे। एक ये देख रहे होंगे आप मेरे ऊपर और एक ये देख रहे होंगे नीचे जाते हुए। गाइस यहाँ पर एक शॉप में आए, फ्रेश लोकल लेमन जूस लिखा है, सो विल ट्राई, देखते हैं मिलेगा क्या लेमन जूस। हाँ दे दीजिए, जस्ट अ मिनट। कितने का है? 20 का, दो दे दीजिए। कौन सा लेमन डाल रहे हो? किधर डाला आपने लेमन? कहाँ है लेमन? मिक्स विद कैन आई सी द लेमन? हाँ ओ दैट इज द जूस, दैट इज द जूस। ओके ओके ओके, थैंक यू। बहुत अलग है, कैसा बताएं? आंवला होता है, आंवला, आंवले का रस पानी में मिला के ऐसा लग रहा है। ये देखिए शॉप है और इनसे भी बात हुई है, ये कह रहे हैं कि ये लोग इसी में रहते हैं एंड एक तरीके से ट्री हाउस हुआ बिकॉज ये पूरा उस पे है। देखिए क्या लाइफ होती होगी। पहले तो ये लेके आए हैं मेरे लिए, क्या है ये? क्या हो गया, ये खराब है क्या? मैंने छड़ी नहीं ली थी तो अब ये है मेरे पास, ये ढूंढ के लाए कहीं से भी और ये काला काला छोड़ रहा है, बट ठीक है। एंड ये देखिए शॉप्स एंड ये रिवर साइड होम स्टे एंड कैंपिंग, वेरी नाइस। ये देखिए रिवर साइड होम स्टे एंड कैंपिंग, ये एक सस्पेंशन ब्रिज और ये तो उत्तराखंड वाले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है बिकॉज आप ये देखिए ये कैसे चल रहे हैं इस पर। अब इस पे चलना पड़ेगा दोस्तों, चलते हैं। एक अलग सस्पेंशन ब्रिज है एंड इस पे मैं चलूंगा, अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये पूरा कैसे जा रहा है। लिविंग रूट ब्रिज की तरफ हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में सस्पेंशन ब्रिज पड़ा है। बहुत मुश्किल है गाइस इस पे चलना, वो देखो कीर्ति खड़ी है, ये देखो हिल रहा है पूरा है। इस पे चलना एक नॉर्मल बात नहीं है। तक पहुंच तो गए हैं, ये देखिए इस पे चढ़ के, बट ये इजी नहीं है, ये मुश्किल है, ये काफ़ी मुश्किल है। और क्योंकि आपकी डेली हैबिट नहीं है, डेली रूटीन नहीं है ऐसी चीज़ों पे चढ़ने की करने की। सो दूसरी चीज़, आप जब भी आइए अपने लिए बाहर से 20 रुपए की स्टिक मिलती है वो ज़रूर लीजिएगा। मेरे पास क्योंकि एक ये था हाथ में तो मैंने नहीं लिया, बट रास्ते में मुझे एहसास हुआ 3,500 सीढ़ियाँ नीचे उतर गए हैं, सब लोगों की हालत ख़राब हो रही थी, तो जो हमारे गाइड हैं उन्होंने कहीं से जंगलों से ढूंढ के निकाली है मेरे लिए। बहुत थक चुके हैं, ऑलमोस्ट 3,500 सीढ़ियाँ कुछ उतरी होंगी
एंड अभी भी आपको पीछे दिख रहा है सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। सो ये है कि आइए, हिम्मत लेके आइए, मेहनत से आइए और रुकते रुकते चलिए। क्या ही है, एक दिन में एक चीज़ ही हो पाएगी। मतलब एक चीज़ का है ये लिविंग ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज, डबल डेकर सिंगल डेकर दोनों इंक्लूडेड है, बट एक दिन में एक चीज़। बिकॉज 6-7 घंटे आप चलते रहोगे, किधर भी आपका वो नहीं होना है, क्या कहते हैं, क्या आप थोड़ी देर रुक लो, बट 3,500 सीढ़ियाँ उतरना है, 3,500 सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 7-8,000 सीढ़ियाँ आपकी सम अप करो तो हो जाती हैं। और धूप भी है तो आपको लेमन चाहिए रहता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपको डिहाइड्रेट, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, एक बार में पूरा पानी मत पीजिए। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको इसलिए करनी है क्योंकि आप यहाँ पर सही से सेफली कर पाओ, बिकॉज़ बहुत लोगों की हिम्मत टूटते हुए अभी देख रहे हैं हम लोग, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। सो ये है कि आप आइए तो मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि इधर क्या मिलने वाला है आपको, बिकॉज़ दिस इज़ एक आपका मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर कहेंगे, बिकॉज स्टेयर्स हैं, खड़ी स्टेयर्स हैं, जैसे आप सीधा नीचे उतर रहे हो वैसे ही आप सीधा ऊपर जा रहे हो। सो ये मन भाई कितने हुए अभी स्टेप्स, कितना हुआ, हजारों में कितना हजार हुआ, 3,300। एक दूसरा सस्पेंशन ब्रिज, पेड़ वेड़ इस पे भी थोड़े बहुत आ गए हैं, बट ये है लोहे का, ये देखिए ये भी बहुत पुराना ही लग रहा है कभी का। ओह व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, ब्रिजेस से हमेशा व्यू बहुत प्यारे होते हैं। ये देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट की जंगलों की पहाड़ियाँ, एंड इस साइड भी अलग नज़ारे हो रखे हैं भाई, क्या बात है, एक नंबर नज़ारे हो रखे हैं। ये देखिए पत्तियाँ गिरी हुई हैं, उसमें यहाँ पर ट्रैक करते हुए आपको जगह जगह पर तितलियाँ घेर लेंगी, आपके ऊपर बैठ जाएंगी, कैमरे में बैठ जाएंगी। तो ये उनमें से कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक तितलियों का बंच है, और अगर आप उधर खड़े भी हो जाते हो और स्टिल रहते हो तो हो सकता है, हो क्या, मोस्ट प्रोबेबली आप अगर इधर आओगे तो तितलियों के साथ आप ज़रूर इंटरैक्ट, वो मिलने आएंगी, ग्रीट करने आएंगी। एक छोटा सा और रूट का नेचुरल ब्रिज, ये है व्यू, दिख रहा है, ये देखिए ये एक छोटा सा नेचुरल व्यू और आया है। टू टिकट्स प्लीज, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज टिकट ले लिया गया है, एंड चलते हैं इस पे, देखते हैं कि क्या सीन है इसका। ओके ऐसे है ये डबल डेकर, अच्छा जी। यहाँ पर गाइस ये सीन है कि ये देखिए ऊपर वाला फ्लोर है ब्रिज का, और ये नीचे वाला है, ये है ऊपर का पोर्शन इस ब्रिज का, और ये देख रहे हैं आप, ये कहते हैं रबर के प्लांट्स हैं, अलग वैरायटी के लव रबर है जिससे ये ब्रिज फॉर्म करा गया है, और ये सारी नेचुरल रूट्स हैं जो नीचे से जा रही हैं। इसके ऊपर ये देखिए पूरा इन्होंने लकड़ियाँ लगा रखी हैं बैलेंस बनाने के लिए, और अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा सारा का सारा रूट ही है। इनफैक्ट इसमें भी कुछ कुछ ये निकल आए हैं प्लांट्स, और
आगे चलते हैं हम लोग उसमें। ये देखिए इधर से व्यू, सब लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है, आपको कुछ लेना हो। देखिए इधर कोई प्राणायाम कर रहा है, मेडिटेशन हो सकता है। बहुत प्यारी जगह है ये कनेक्ट करने के लिए नेचर से। और ये देखिए ऊपर का है लिविंग रूट ब्रिज के, हर तरफ पेड़ ही पेड़, जड़ ही जड़। और जब आप इस ब्रिज के एक साइड में आ जाएंगे कंप्लीट, ये देखिए अलग जा रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये यहाँ से समझिए, दिस इज लिविंग रूट ब्रिज। ये ऊपर का डेक है और ये नीचे का डेक है, इन दोनों ही उसमें। और ये दोनों ही डेक्स, ये वाला है चाहे ये वाला है, ये इस पेड़ और इस पेड़ के रूट्स से फॉर्म कराया गया है। ऑक्सिलरी रूट्स होती हैं बेसिकली, जो कि स्टेम से निकलती हैं। और अगर आप लोग देख रहे हो तो ये यहाँ से निकल रही है रूट, और ये निकालते निकालते इन्होंने ऐसा यहाँ पर इसको मर्ज करा दिया है। और बहुत तारीफ़ की बात है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने सारे लोगों को होल्ड करके रखे रहता है। अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड डेक पे इस ब्रिज के, जो कि ये है। ये है गाइस सेकेंड डेक, जो इधर ऐसे नज़ारा है। और ये ऐसे है, ये उस ब्रिज को नीचे से ये देखिए, डबल डेकर ब्रिज के बगल में ये शॉप है छोटी सी, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गई थी सुबह से। ब्रेकफास्ट करके निकले थे जो होटल में करा था, जहाँ से शिलोंग से निकले थे। अभी क्या है कि यहाँ पर दो ऑप्शन इन्होंने बताए, दाल राइस और मैगी। देखते हैं कितने का है और कैसा है ऑर्डर करके। तो मैंने एक दाल राइस और एक मैगी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, तो अब इंतज़ार है जल्दी आए और भूख मिटे। ये देखिए ये मंगवाया था, तो ये दाल चावल आया है। दाल और चावल, जो कि आलू की सब्जी थी बट यहाँ पर दाल कहते हैं। सो दाल और चावल खा लिया है, और मैगी खा ली है, चाय पी ली है, और अभी हम लोग वापसी के लिए निकल रहे हैं लिविंग रूट ब्रिज से। एंड सारे कुत्तों का भी पेट भर गया है, थैंक्स टू कीर्ति कि रास्ते में कोई कुत्ता भूखा नहीं होगा। दादा मुझको एक चीज़ दिखी, ये लिखा हुआ है डबल डेकर रेनबो फॉल्स संडे क्लोज्ड। तो जो भी आ रहा है वो ये देख के आए कि संडे को यहाँ पर बंद रहेगा, संडे को नहीं आना है। और इस हिसाब से आप प्लान करिए, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आ रहे होंगे तो संडे को डबल डेकर ब्रिज क्लोज रहता है। दूसरी चीज़, सुबह 11 बजे हम लोग यहाँ से चले थे, और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 4 बजे के लमसम 4 बज रहा है, और जाते जाते कह रहे हैं कि रात हो जाएगी, 7 बज सकता है। होपफुली हम लोग जल्दी पहुँचे और सही से हो, और वापसी का भी आपको पूरा वीडियो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज़।